ये है इसका येलो पॉइंट और ये है इसका वाइट वाला पॉइंट एक बार विजिबिलिटी देखिए आप बाइक यहाँ पर खड़ी है और विजिबिलिटी जो है ना काफी अच्छी है ये लाइट जो है सिर्फ अभी फोग लैंप की है अभी मैंने हेडलाइट नहीं ऑन किया है ऑफ है और गाइज ये है इसकी येलो लाइट की विजिबिलिटी हाई एंड वेलकम बैक टू माई टूबल्स जैसा कि आप सभी को दिसंबर मंथ चल रहा है और हम सभी के शहरों में रात के टाइम फोक भी होने लग गया है जब भी हम अपने रात के टाइम ड्राइविंग करते हैं अपनी बाइक को या कार को तो इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में एक फोग लैंप जैसे कि आप देख सकते हैं मिनी ड्राइविंग लाइट तो ये दो फोग लैंप होने वाले हैं एक हमारा जाएगा लेफ्ट साइड वाले में दूसरा जाएगा हमारा राइट साइड वाले में तो ये मैं अपनी बाइक के लेग गार्ड में इंस्टॉल करने वाला हूँ और फोग लैंप कौन से होने वाले हैं ये जो आपको वीडियो में आगे दिखी जाएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक भी कर देना तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट चलिए तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा बॉक्स दिखता है यहाँ पर दो फॉग लैंप बने हुए हैं यहाँ पर लिखा है मिनी ड्राइविंग लाइट बाइक भी बनी हुई है और इसमें हमको दो कलर मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं डबल कलर एक हमको वाइट कलर मिलता है एक हमको येलो कलर मिलता है यहाँ पर स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है करंट 1.3 पॉइंट वर्किंग वोल्टेज डीसी 8-85 वोल्ट लाइफ स्पैन तीस हजार ल्यूमेंस थ्री थाउजेंड एल एम वोटेज बीस वोट पर बल्ब मतलब कि एक बल्ब जो है हमारा बीस वाट कंज्यूम करता है एल कोरियन एल चिप और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है और देखते हैं इस बॉक्स में क्या है और ये हो गया हमारा बॉक्स ओपन इसमें हमको फोगलैम्प कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है ये मेटल का बना हुआ है और इस पैकेट में हमको मिलती है एल की और कुछ बोल्ट्स इसमें मेरे को क्लैम्प भी मिले हैं मैं क्लैंप आपको दिखाता हूँ ये हमारे फोगलैम्प में कुछ ऐसे लगेगा इसके नीचे भी एक आ, क्लैंप लगेगा राउंड वाला यू टाइप का जो है वो क्लैंप है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी ये क्लैंप जो है स्टेनलेस स्टील है और ये क्लैंप हमारे यहाँ पर लगेंगे जैसा कि आप समझिए ये लेग गार्ड है हमारा और ये कुछ ऐसे लगेंगे अ यहाँ पर हमको एक बोल्ट लगाना पड़ेगा इसमें वो बोल्ट जो है इस साइड से क्रॉस हो जाएगा और नीचे से निकल जाएगा तो ये ऐसे दब के टाइट हो जाएगा और इसके साथ हमको एक स्विच भी मिलता है स्विच तो लगाना मैंडेटरी है ही क्योंकि इसमें हमको दो पॉइंट मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि इसमें हमको येलो कलर मिलता है और वाइट कलर मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल कलर में हमारे ये फोग लैम्प आते हैं तो इसमें ही हमको डबल पॉइंट का स्विच भी मिलता है एक और इसमें हमको वायर्स मिलती है तीन और फोग लैम्प की भी मैं आपको वायर्स दिखा देता हूँ फोग लैंप हमारा ये है फोग लैंप की भी हमको वायर्स तीन मिलती है और वायर डायग्राम जो है ना बहुत ही सिंपल है आप सोच रहे होंगे कि ये तीन तीन वायर का क्या झंझट है इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है वायर का झंझट जो है ना बहुत ही सिंपल है डायरेक्ट कनेक्शन जो है मैं अपने इग्निशन से दे दूँ अपनी बाइक के तो अभी मैं आपको इंस्टॉल का प्रोसेस दिखा देता हूँ कि ये हमारे लेग गार्ड में कैसे इंस्टॉल होंगे तो पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी बाइक में राइट साइड वाले पे राइट साइड वाले लेग गार्ड में मतलब कि इस साइड इंस्टॉल प्रोसेस बहुत सिंपल रहने वाला है तो वीडियो को स्कीप मत कीजिएगा तो लेग गार्ड का क्लैंप बाद में लगेगा पहले हम ये वाला क्लैंप लगा लेते हैं ये हमको अपने फोक लैंप के साथ ही मिलता है तो पहले मैं पैकेट को ओपन कर लेता हूँ ये वाले लगेंगे और इसके साथ हमको एल भी मिलती है बोल्ट के साथ साथ हमको एक ये वाशर भी ले लेनी है तो एक साइड वाला तो मैंने लगा लिया और अभी मैं इसको थोड़ा लूज ही रख रहा हूँ क्योंकि हम इसके एडजस्टमेंट भी करेंगे रात के हिसाब से तो ये मैंने यहाँ पर दोनों साइड वाले लगा लिए बोल्ट और अब हम चलते हैं अपने लेग गार्ड की तरफ अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पोजीशन ये हमारा कुछ ऐसे सेट हुआ है प्लायर से मैंने ये दबा दिया है तो अब इसमें सिर्फ़ इतना ही गैप बचा है और कभी इसको खोलना हुआ तो आप यहाँ पर पेचकस फंसागे और एक नीचे की तरफ तो आप इसको ऊपर की तरफ उठाओगे तो ये खुल भी जाएगा अब हम इसमें लगाने वाले हैं अपना फोग लैम्प कुछ इस तरीके से और इन फोग्प को बनाने वालों ने शायद इस बात का ध्यान नहीं दिया कि ये बोल्ट जो है ना बहुत छोटा है तो मुझको यहाँ पर दूसरा खरीद के लाना पड़ा ये वाला आप देख सकते हैं इसकी लेंथ जो है ना इसके डबल है और इसमें फोगलैम्प के साथ हमको ये वाला बोल्ट मिला था पर ये आप देख सकते हैं ये जो है ना यहाँ से आर पार भी नहीं हो रहा आप देख सकते हैं कितना गैप बचा है यहाँ पर तो इसलिए मुझको यहाँ पर लंबे वाला बोल्ट लेकर आना पड़ा और लंबे वाला आप बोल्ट देख सकते हैं ये पूरा नीचे से निकल गया अब हमारा क्लैम्प अच्छे से टाइट हो जाएगा पर छोटे वाले बोल्ट से ऐसा नहीं हो पा रहा था इसलिए मेरे को ये वाले बोल्ट लाने पड़े अगर आप भी अपनी बाइक में इंस्टॉल करोगे तो आप जो है ना इस बात का एक बार ज़रूर से ध्यान रख लेना कि आपको भी ये बोल्ट लंबे चाहिए और जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना फोग लैम्प इंस्टॉल कर लिया है और ये कैसे किया है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने एक बोल्ट लिया है यहाँ पर एक वाशर लगाई और नीचे भी एक वाशर लगाई हुई है आ, ये वाले आ, इस साइड यहाँ पर मैंने एक वाशर लगाई है और यहाँ पर नट टाइट कर दिया तो जो प्रोसेस मैंने आपको इस वाले फोग लैम्प पर दिखाया मतलब कि इस वाले लेग गार्ड पर वही सेम प्रोसेस मैं अपने इस वाले लेग गार्ड पर भी कर लेता हूँ और उसके बाद जो हम अपने वायरिंग की डिस्कशन करेंगे कि वायरिंग अब हमको अपनी बाइक में लैम्प की कैसे करनी है मैंने अपने दोनों फोग लैंप इंस्टॉल कर लिए हैं अब मैं इसकी वायरिंग कर लेता हूं और वायरिंग का भी आपको समझा देता हूं कि वायरिंग डायग्राम क्या रहने वाला है तो उसके लिए मैं अपना वाइज़र ओपन करने वाला हूँ वाइजर ओपन करने के लिए मुझको यहाँ पर ये आ, ये स्क्रू लूज़ करना है ये स्क्रू निकाल लेना है मतलब और ये वाले हमको लूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं दस नंबर का स्क्रू है आ, दस नंबर का बोल्ट है और यहाँ पर भी हमको सेम एक दस नंबर का बोल्ट मिलता है ये हमको सिर्फ लूज़ करने हैं और हमारा वाइज़र जो है कुछ ऐसे आगे की तरफ झुक जाएगा और अब हमारा वाइज़र कुछ ऐसे नीचे हो जाएगा तो वाइज़र ओपन करने के बाद हमको सिर्फ़ अपने इग्निशन वाली वायरिंग ढूंढनी है कि इग्निशन का स्विच हमारा कहाँ जा रहा है इग्निशन का स्विच हमारा यहाँ ये वाला है तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यह कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा और हमको जो है सिर्फ़ एक स्विच की वायर इसके अंदर दे देनी है और बाकी वापस से इसको आ, अंदर लगा देना है पर स्विच की वायर इग्निशन में लगाने से पहले हमको अपने लैंप की सेटिंग करनी पड़ेगी फोग लैंप वाली वायर की कि ये जो है कहाँ से घूम घूम कर जाएगी जिससे कि ये हाइड रहे ज़्यादा शो भी ना हो तो पहले मैं वो कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने वायर कैसे छुपाई है सो so, एक फोग लैम्प की वायर मैंने कुछ यहाँ से ऐसे निकाली हुई है यहाँ से निकलते हुए ऊपर जाते हुए यहाँ से हाइड जैसे कि आप देख सकते हैं ये वायर दिख रही है छोटी सी और यहाँ से निकालते हुए ये ऐसे अंदर वाइज़र के अंदर चल जाएगी जब ये वाइज़र फिट हो जाएगा तो ये भी नहीं शो होगा और बाकी वैसे ही मैं परली साइड से भी कर लेता हूँ जैसे मैंने इस साइड से किया है और वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार इसकी वायर मैंने थोड़ी बाहर रखी है क्योंकि सरेंसर का पाइप भी पास था तो हीटिंग इस पर ज़्यादा ना पड़े इसलिए मैंने इसको वायर को थोड़ा दूर रखा है सिलेंडर हेड से भी और थोड़े इंजन के पास आ, पार्ट से बचाते हुए मैंने इस वायर को यहाँ से चेसिस के पास से निकाली है अंदर से और यहाँ पर वाइज़र की तरफ लगा दी है और अब वायरिंग समझते हैं इसकी पहले तो हमारी फोग लैंप वाली वायर सी हो गई जो मैंने यहाँ से साइड से निकाली थी और दूसरे वाली भी देख लेते हैं दोनों फोग लैंप की वायर हमारी कुछ हमको यहाँ पर ऐसी मिल गई अभी हमको इसको साथ जोड़ना है रेड येलो ब्लैक ये तीनों वायर जो है मैंने आपस में जोड़ दिया है ये दोनों फोग लैंप वाली वायर है और ब्लैक को मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये वायर जाएगी हमारी अर्थ में इसको जो है मैं किसी भी बॉडी के साथ अपनी बाइक की अर्थिंग में दे दूंगा जैसे कि ये नट हो गया इसको हमको अर्थ देना है और ये वायर हमने आपस में जोड़ ही दी है और इसमें जो है हमको स्विच वाली वायर लगानी है स्विच वाली वायर कौन सी लगानी है हमको इसमें दोनों में मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये रहा हमारा स्विच और इसकी वायरिंग मैं ऐसे जोड़ने वाला हूँ ये वायर जाएगी हमारी इग्निशन में इग्निशन के पॉजिटिव में ये वाली ब्लैक वायर और ये ब्लू वाली वायर है ये मैं जोड़ दूंगा येलो में ये ब्राउन वाली वायर है ये मैं जोड़ दूंगा रेड में तो पहले मैं ये जोड़ लेता हूँ आपस में और ये दोनों वायर्स को आपस में जोड़ने के बाद अब हम पे बचती है सिर्फ ये दो वायर ये जाएगी हमारी अर्थिंग में ये है फोग लैंप वाली वायर और ये है ब्लैक वाली वायर ये रहेगी हमारी स्विच वाली तो ये जाएगी हमारी पॉजिटिव में और ये वाली जाएगी हमारी नेगेटिव में तो नेगेटिव में कहीं भी बोल्ट लूज़ करके दे देता हूँ पहले और लैंप वाली अर्थिंग मैंने यहाँ पर थोड़ी एक्सटेंड कर दिया है इसको मैंने ब्लू वायर दी है ब्लू वायर यहाँ से क्रॉस होते हुए कुछ यहाँ पर अर्थिंग में दे दिया मैंने यहाँ पर और अब हमारी बची है ये सिंगल वायर तो ये ब्लैक वाली वायर स्विच की हमको इस रेड वाली वायर में दे देनी है इसको मैं थोड़ा और छील लेता हूँ छीलने के साथ होगा ये कि मैं इसके अंदर डाल के स्विच वापस से लगा दूंगा और ये मैंने पॉजिटिव में लगा दी स्विच की ब्लैक वायर स्विच में लगाने वाला हूँ यहाँ पर कुछ इस जगह स्विच हमारा कुछ ऐसे लगेगा इस साइड से आपको देखने पे कुछ ऐसा लगेगा और यहाँ पर अपनी टेपिंग भी हो चुकी है अच्छी तरह जो है मैंने इन वायरस को टेप कर दिया और स्विच यहाँ पर लगा दिया और गाइज यहाँ पर होती है हमारी फिटिंग कंप्लीट वाइजर भी लग गया है फोग लैंप्स भी लग गए हैं स्विच भी लग गया है अब ऑन करते हैं एक बार ये है इसका येलो पॉइंट और एक बात मैं आपको बताना भूल गया इसमें जो है ना फैन भी लगे हुए हैं तो हीट डिसिपेशन काफी अच्छा हो जाता है दोनों फोग लैंप्स में जो है फैन लगे हुए हैं परले साइड वाले में भी और इस साइड वाले में भी यह इसकी फैन वाली साउंड है यह है इसका येलो पॉइंट और यह है इसका व्हाइट वाला पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ब्राइट है अभी कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा होगा अच्छे से पर रात के टाइम भी जो है ना मैं रात का भी एक बार आपको विजिबिलिटी दिखाऊंगा कि रात में जो है ना इसकी विजिबिलिटी कितनी खतरनाक है और गई इसी के साथ जो आपने अपने फोग लैंप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं बाइक में जिन लोगों को भी ये फोग लैंप बाय करने को रहेंगे आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे डी कर सकते हैं मैं लिंक नीचे दे दूंगा वीडियो के तो आप जाके जो है एक बार डी जरूर कीजिएगा अगर जो आपको ये फोग लैम्प चाहिए विद क्लैंप ये वाले जो है क्लैंप आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील वाले ये क्लैम्प भी जो है मैं आपको दूंगा पर अगर आप कहीं अमेजोन से बाय कर सकते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो जो है आपको ये वाले क्लैंप देंगे वो जो है आपको सीधा यही वाला फोक लैंप देंगे बस और इसके ये पत्ती देंगे तो जिनको भी ये चाहिए मैं जो है उसको फुल सिस्टम ये दे दूँगा मतलब कि सारा सेटअप स्विच के साथ और इनका प्राइस पड़ेगा आपको बारह सौ रुपये तो जिनको भी बाय करना है मुझे इंस्टाग्राम पे डी कीजिए और ऑर्ग अब हो चुकी है रात और अब मैं अपने फोगलैम्प ऑन करता हूँ और एक बार विजिबिलिटी देखिए आप बाइक यहाँ पर खड़ी है और विज़िबिलिटी जो है ना काफ़ी अच्छी है ये लाइट जो है सिर्फ अभी फोग लैंप की है अभी मैंने हेड लाइट नहीं ऑन किया है लाइट ऑफ है जैसे कि आप देख सकते हैं और अभी मैं अपनी हेड लाइट भी ऑन करता हूँ एक बार और फिर देखना आप और ये मेरी हेड लाइट भी ऑन हो गई यहाँ पर फोग लैंप के साथ और अब आप देखिए एक बार आगे से आंखें नहीं खुलने देगी है काफी सॉलिड लग रही है अब और ये है इसकी येलो लाइट की विजिबिलिटी जैसा कि आप देख पा रहे हैं येलो लाइट इसकी थोड़ी कम तो है वाइट के हिसाब से अगर जो व्हाइट से कंपेयर करें अच्छी है वैसे देखा जाए तो क्योंकि येलो लाइट ही जो है ना हमारी मददगार होती है फोक को काटने के लिए तो फोक में अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली और टूरिंग के लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं ये फोग लैम्प और इसी के साथ इनके एडजस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट जो है ना आपको सिर्फ ऐसे करनी है इसकी मैं अभी इसका पकड़ के यहाँ से नीचे की तरफ को घुमाता हूँ तो अब आप देख सकते हैं लाइट जो है इस तरफ आ गई ऊपर करता हूँ तो ये आगे की तरफ चल जाएगी मतलब इसका फोकस जो है आगे की तरफ जाएगा और तो ऐसे जो है आप दोनों फोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि किस जगह जो आपको लाइट ज्यादा चाहिए किस जगह जो आपको लाइट कम चाहिए अभी मैं सोच रहा हूं कि ये थोड़ा नीचे आ जाए जैसे कि यहां से अगर ऊपर करना हुआ तो ऐसे कर देंगे इसको पकड़ के और यही सेम प्रोसेस जो है इसके वाइट वाले पॉइंट में भी रहने वाला है अब करते हैं वीडियो को एंड लाइट्स के साथ जो है वीडियो को एंड भी कर देते हैं इन्ही लाइट्स की रोशनी में और ये लाइट जो है इन फोग लैम्प की है देख सकते हैं कितना ब्राइट है कि मैं वीडियो भी एंड कर सकता हूँ सोई आई होप आपको वीडियो अच्छी लेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय